हेलो फ्रेंड्स, सो लेट डिस्कस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन आवर काइंड ऑफ गायनेकोलॉजी इन ऑब्स्टेट्रिक्स. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अबॉर्शन. तो अबॉर्शन को कंट्रोल करने के लिए देर इज एमटीपी एक्ट 1971 इन आवर कंट्री. यू ऑल नो वेरी वेल, यू आर फैमिलियर विद दैट एक्ट. जस्ट अभी रिसेंटली उसमें अमेंडमेंट भी आया. तो एमटीपी एक्ट 1971 टू कंट्रोल द इंड्यूस अबॉर्शन काइंड ऑफ एमटीपी एक्ट बना हुआ है. बट देर आर सम कंडीशन जहाँ पे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है, जहाँ पे फीमेल विलिंग टू कंटिन्यू हर प्रेगनेंसी बट ड्यू टू सम क्लिनिकल कंडीशन शी अनेबल टू कंटिन्यू हर प्रेगनेंसी. ओके, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन. तो उसके कौन कौन से फैक्टर्स और इनके से कौन कौन से रीज़न है वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन में कौन से रीज़न है, सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन में कौन कौन से रीज़न है. ओके, वी विल सी दैट. एंड अलॉन्ग विद दैट, ये देखिए इंड्यूस अबॉर्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है, लीगल और इलीगल. तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर स्लाइड्स में. तो लेट्स सी द फर्स्ट ऑफ ऑल अबॉर्शन का डेफिनेशन. एबॉर्शन है क्या? तो एबॉर्शन इज अ डिफाइन एज अ प्रेगनेंसी, और यू कैन से एबॉर्शन इज डिफाइन एज अ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द काइंड ऑफ, और यू कैन से प्री ऑर टू द 20 वीक ऑफ द जेस्टेशनल एज. ओके, और अ फीटस बॉर्न वेइंग लेस देन 500 ग्राम. तो एबॉर्शन का डेफिनेशन यही बोला गया है कि पीरियड ऑफ वायबिलिटी जो है फीटस की, उससे पहले जो काइंड ऑफ जो जेस्टेशनल एज है या फिर जेस्टेशन जो पीरियड है जिसके हमने काइंड ऑफ 20 वीक बोला है, उसके पहले अगर कोई काइंड ऑफ फीटस या फिर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन अगर लॉस होगा, दैट इज कॉल्ड एज अबॉर्शन. ओके, तो वीक के रेस्पेक्टिव में 20 वीक है, और वेट के रेस्पेक्ट में अगर फीटस की अगर वेट की अगर बात करें तो 500 ग्राम से अगर लेस प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन अगर लॉस होगा, दैट इज कॉल्ड एज अबॉर्शन. ओके, तो अबॉर्शन इज अ डिफाइन एज अ प्रेगनेंसी टर्मिनेशन प्री ऑर टू 20 वीक ऑफ जेस्टेशन और अ फीटस बॉर्न बीइंग लेस देन 500 ग्राम. ओके, तो देर आर टाइप, मेजरली टू टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस. स्पॉन्टेनियस इज नॉट इन आवर कंट्रोल एंड इंड्यूस अल्टीमेटली फीमेल विलिंग टू टर्मिनेशन हर प्रेगनेंसी. ओके, दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस अबॉर्शन. द फर्दर दे गेट डिवाइड इन टू टाइप्स, लीगल एंड इनलीगल. लीगल में एमटीपी एक्ट के जो यू कैन से उसके अनुसार या फिर उसके अकॉर्डेंस जो टर्मिनेशन होती है प्रेगनेंसी, सच एज यूजेनिक केस है, रेप के काइंड ऑफ, रेप के जैसे काइंड ऑफ कॉन्सेप्शन होता है, और अल्टीमेटली देर इज अ फर्टिलाइजेशन ऑफ काइंड ऑफ स्पर्म एंड ओवम, एंड देर इज अ यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ जायगोट. तो उस केस में काइंड ऑफ जो फीमेल है शी कैन अबॉर्ट देयर चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड एज अ एमटीपी एक्ट के थ्रू. बहुत सारे यूजेनिक केस है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के केस है, ओके, काइंड ऑफ मेडिकल केस है, फीमेल के कुछ कार्डियक इश्यूज हैं या फिर फीमेल को हाइपरटेंशन है, तो इसकी वजह से काइंड ऑफ वहाँ पे अबॉर्शन नीडेड होता है. तो ये लीगल अबॉर्शन हम उसको बोलते हैं. बट देर आर अ काइंड ऑफ इलीगल अबॉर्शन ऑल्सो इन अवर इंडिया, दैट इज कॉल्ड द इलीगल अबॉर्शन. तो क्रिमिनल अबॉर्शन भी इसे हम बोलते हैं, जहाँ पे फीमेल को अलग अलग काइंड ऑफ मिफीप्रोस्टॉन, मिसोप्रोस्टॉल की टैबलेट, मतलब उनको पता नहीं होता है, बट डेफिनेटली उनको इतना पता होता है कि ये टैबलेट या फिर ये कॉम्बी पैक लेने की वजह से जो फीमेल होती है वो काइंड ऑफ शी कैन अबॉर्ट द चाइल्ड. बट डेफिनेटली जो पर्सन इस टैबलेट को फीमेल को, मतलब इस ये टैबलेट मिफीप्रोस्टॉन और मिसोप्रोस्टॉल जो टैबलेट काइंड ऑफ अबॉर्शन के लिए जो देते हैं, उसकी लिमिटेशन क्या है और कितने समय देना है, कब देना है, कितना देना है, किसको देना है, ओके, तो ये उनको पता नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई फीमेल को इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं. तो जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिमिनल अबॉर्शन बोलते हैं. स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में आइसोलेटेड है और रिकरेंट है, मतलब एक बार काइंड ऑफ जो फीटस है वो लॉस्ट हुआ, दैट्स ओके, बट रिकरेंट है, मतलब अगेन एंड अगेन फीटस क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, या फिर जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है या फिर जो बेबी है वो अल्टीमेटली कंटिन्यू ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो फीमेल नहीं कर पा रही है, दैट इज कॉल्ड द रिकरेंट लॉस ऑफ द फीटस. ओके, और रिकरेंट लॉस ऑफ द बेबी, दैट इज कॉल्ड द रिकरेंट अबॉर्शन. ओके, तो आइसोलेटेड में देखिए 6 टाइप हैं, हम इसको देखेंगे. स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, 10-20% ऑफ ऑल क्लिनिकल प्रेगनेंसीज, आउट ऑफ दैट 80% अकर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर और 20% जो हमारा था वो सेकंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन होता है. ओके, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में आइसोलेटेड और रिकरेंट हम देखने वाले हैं. आइसोलेटेड जो अल्टीमेटली जो हम अभी हम इसको डिटेल में कवर करेंगे, आइसोलेटेड का जो कॉज है, आइसोलेटेड में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि पहले 3 महीने में जिसका अबॉर्शन होता है, स्पॉन्टेनियस जो अबॉर्शन है पहले 3 महीने में, उसका जो मेजरली जो कॉज है, ओके, आप देख सकते हो मैक्सिमम फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन होता है, 80% जो अबॉर्शन है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, और रिमेनिंग 20% जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है. ओके, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मेजरली जो कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज इज अ डिफेक्ट इन एम्ब्रियो और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी. ओके, तो यू कैन सी हियर फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन में मोस्ट कॉमन जेनेटिक कॉज इज ट्राइसोमी, और ट्राइसोमी में ट्राइसोमी 16. ओके, देन अगेन अ काइंड ऑफ जेनेटिक कॉज है पॉलीप्लॉइडी है, जहाँ पे सेट ऑफ क्रोमोजोम
बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड द पॉलीप्लॉइडी. 20% वो कंट्रीब्यूट करता है, 30% हमारा जेनेटिक कॉज में ट्राइसोमी कंट्रीब्यूट करता है. मोनोसोमी में आप देख सकते हो 20% है. ट्रांसलोकेशन और डिलीशन ऑफ द जेनेटिक्स और जीन्स ये ऑल्सो प्ले करते हैं हमारे अकाउंट ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन में. तो 30% ट्राइसोमी और जेनेटिक कॉज और पॉलीप्लॉइडी ये सभी हमारे क्या होते हैं, जेनेटिक कॉज हैं, पीटर्स के जेनेटिक कॉज है और अल्टीमेटली इसकी वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन होता है. ओके, सेकेंड में मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो ल्यूटियल फेस डिफेक्ट होता है. देर इज अ डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन ड्यू टू द ल्यूटियल फेस डिफेक्ट्स और जो कॉर्पस ल्यूटियम इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस अल्टीमेटली काइंड ऑफ प्रोजेस्टेरोन फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी एंड दैट्स व्हाई डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल रिजल्ट इन द डिफेक्टिव रेसिड्यूअल फॉर्मेशन एंड दैट रिजल्ट इन द डिफेक्टिव इम्प्लांटेशन ऑफ द जायगोट और ब्लास्टुला and pregnancy get terminated, that is called as a loss of the pregnancy or termination of the pregnancy due to the luteal phase defects. The second most common is the luteal phase defect and first and you can say foremost cause of the our kind of abortion or spontaneous abortion in first trimester, that is called as a genetic cause. Genetic cause mein trisomy hai, polyploidy hai, monosomy hai, okay, and along with that thyroid abnormalities and diabetes mellitus is also there where the कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी अगेन दे गेट अफेक्टेड. ओके, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन में मोस्ट कॉमन कॉज इज एनाटॉमिकल कॉज ऑफ द फीमेल वेयर द काइंड ऑफ जो जेनेटल ट्रैक्ट है फीमेल का वही प्रॉपर नहीं होता है. जहाँ पे सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस मीन्स सर्विक्स इज नॉट एबल टू होल्ड द काइंड ऑफ वेट ऑफ द फिटस. ओके, बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी इतना ग्रो नहीं करता है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देर इज अ प्रोलीफरेशन ऑफ सेल वगैरह होता है, अ काइंड ऑफ डिवीजन होती है सेल की, बट एज सुन एज बेबी गेट यू कैन से स्टार्ट टू ग्रोथ अल्टीमेटली अ काइंड ऑफ यू कैन से वो जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है ना जहाँ पे अ काइंड ऑफ सर्विक्स से जो रीजन है वो उस पर्टिकुलर रीजन में आता है और सर्विक्स को ऊपर अ काइंड ऑफ हैवी लोड पड़ता है एंड दैट्स व्हाई वो हैवी लोड को अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है तो वो पर्टिकुलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रोथ ग्रो जो हो रहा है फिटस उस ग्रोथ वाले फिटस को वो होल्ड नहीं कर पाता है एंड दैट्स व्हाई उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं. तो इसको अलग अलग मेथड से हम क्या करते हैं, सर्विक्स को हम बाइंड करके रखते हैं, वो हम देखेंगे फर्दर स्लाइड्स में. बट मोस्ट कॉमन कॉज इज एनाटॉमिकल कॉज जहाँ पे सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस यूट्रन ये देखिए यूट्रन एनाटॉमिकल इश्यूज भी रहते हैं सच एज बहुत सारे इसमें है सेप्टिक यूट्रस है, यूनिकॉर्नियट यूट्रस है, ओके बाइकॉर्नियट यूट्रस है. तो यूट्रन कैविटी दे गेट स्मॉलर और दे गेट अफेक्टेड जिसमें आई सेड की सेप्टिक यूट्रस है, यूनिकॉर्नियट यूट्रस है, बाइकॉर्नियट यूट्रस है. तो यू कैन से यूट्रन कैविटी है या फिर वहाँ पर इतना स्पेस नहीं हो पा रहा है और ड्यू टू यू कैन से लेस स्पेस द पर्टिकुलर जो ग्रोथ हो रही है फीटस की दे कैन नॉट गेट डिस्टेंडेड, डिफेक्टिव डेसिडुआ इम्प्लांटेशन एंड वैस्कुलरिटी अकर्स एंड प्रेगनेंसी कैन नॉट फॉरवर्ड एंड दे गेट टर्मिनेटेड. ओके, तो यूट्रन एनाटॉमिकल इशूज के वजह से भी देर इज अ लॉस ऑफ द काइंड ऑफ फिटस ऑफ बेबी. यूट्रन फाइब्रॉइड की वजह से भी हो सकता है, इंट्रा यूट्रन स्टेनिकिया रहेगा जिन्हें हम हाइशरमैन सिंड्रोम बोलेंगे उसकी वजह से भी काइंड ऑफ अबॉर्शन हो सकता है. तो इन्फेक्शन देर ऑल्सो लीड्स टू सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन वेयर द वायरल पैरासिटिक और बैक्टीरिया में क्लैमिडिया है, ओके पैरासिटिक में टॉक्सोप्लाज्मा है, मलेरिया है, ओके वायरल में रूबेला है, साइटोमेगाला वायरस है और वेरिसेला है. दीज आर द इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस कॉसेस वेयर द फॉर द सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन. बट यू शुड नो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन मोस्टली होता है 80%, सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन इज 20% इन अवर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो जेनेटिक कॉज है फॉलोड बाय ल्यूटियल फेस डिफेक्ट. सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन में जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो हमारा एनाटॉमिकल कॉज है, फीमेल के काइंड ऑफ जेनेटल ट्रैक्ट की वजह से काइंड ऑफ फिटस यू कैन से टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो रही है जहाँ पे सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस यूट्रन एनाटॉमिकल इशूज की वजह से क्या होता है फीटस टर्मिनेट होता है. ओके, इम्यूनोलॉजिकल कॉज ऑल्सो है कि वेयर द एंटीबॉडी अगेंस्ट द ओन बॉडी सेल्स काइंड ऑफ ओन बॉडी मदर की खुद की बॉडी काइंड ऑफ ऑटो एंटी बनाती है ऑटो एंटीबॉडी बनाती है एंड अल्टीमेटली वो क्या करता है कि जो भी प्लेसेंटा रहता है ना वहाँ पे वो थ्रोम्बोसिस क्रिएट करता है. तो लीड्स टू द थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन, मोस्ट कॉमन इज द प्लेसेंटल थ्रोम्बोसिस, इस्चीमिया एंड इन्फेक्शन होता है एंड दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ लेस सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू द फीटस, दैट इज कॉल्ड द फीटल हाइपोक्सिया. ओके, और अल्टीमेटली फीटल डेथ हो जाती है. तो IUGR, फीटल डेथ, ये सभी इम्यूनोलॉजिकल कॉसेज है और वहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है. ओके, देखिए यहाँ पे एलोइम्यून है, इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियाज भी हैं, तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग भी जो रिमेनिंग कॉज हैं यहाँ पे देख सकते हो, मटर्नल मेडिकल इलनेसेज की वजह से भी साइनेटिक हार्ट डिसीजेस या फिर हीमोग्लोबिनोपैथीज हैं,
अ काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप इनकॉम्पेटिबिलिटी है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जहाँ पे स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, ये सभी की वजह से भी अ काइंड ऑफ देर आर समटाइम्स की टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है. ओके, बट काइंड ऑफ इतना मेजरली देखने को नहीं मिला है, बट यू कैन से कि जेनेटिक, यू कैन से जो बोलते हैं ना कि फिटन एनोमलीज विल अकर, बट फिटन टर्मिनेशन या फिर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है. बट मिसेलिनियस कॉज में वी कैन प्लेस, ओके, स्पर्म क्रोमोसोमल एनोमलीज है और देर आर ऑल्सो अनएक्सप्लेन कॉज ऑल्सो. ओके, तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 5 to 6 वे. स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इज अ नेचुरल डेथ ऑफ द एम्ब्रियो और फिटस बिफोर इट्स एबल टू सर्वाइव इंडिपेंडेंटली. ओके, तो कॉसेज देखिए, फिटल एनोमलीज हैं, एबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा है, एक्यूट और क्रोनिक इलनेसेस ऑफ द प्रेगनेंट वुमेन दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन. स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है फर्स्ट टाइप है हमारा, थ्रेटेंड अबॉर्शन. तो थ्रेटेंड अबॉर्शन मीन्स क्या होता है, द डेफिनेशन ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन बाय WHO इज प्रेगनेंसी रिलेटेड टू द ब्लडी वर्जन एंड डिस्चार्ज विदाउट सर्वाइकल डायलेशन. यू ऑल नो वेरी वेल कि अगर काइंड ऑफ फीमेल अगर वो काइंड ऑफ लेबर पीरियड में जाती है, यानी कि जहाँ पे उसके चाइल्ड की डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी पीरियड में क्या होता है, आपको मैं बता दूँ कि सर्विक्स डायलेटेड होता है. ओके, सर्विक्स गेट डायलेटेड और जो सर्विक्स की जो इंटरनल OS की जो ओपनिंग होती है वो ओपन हो जाती है. तो यहाँ पे क्या है कि सर्वाइकल डायलेटेशन नहीं हुआ है और काइंड ऑफ आफ्टर ऑन एग्जामिनेशन इंटरनल OS की जो ओपनिंग है वो भी क्लोज है. ओके, तो इससे ये समझ में आता है कि अ काइंड ऑफ लेबर का पीरियड अभी नहीं आया है. ओके, एंड अल्टीमेटली वी कैन कंट्रोल दिस थ्रेटेंड अबॉर्शन बाय अ काइंड ऑफ मेजरिंग सम काइंड ऑफ मेजर्स. ओके, द पेशेंट कंप्लेंट द ब्राउनिश रेड कलर ब्लीडिंग पर वजनल. इफ पेशेंट कंप्लेंट और पेशेंट कम विद दिस कंप्लेंट्स, डेफिनेटली यू हैव टू कंसिडर दिस अ थ्रेटेंड अबॉर्शन. तो डल पेन इन लोअर एब्डोमेन, ब्लीड स्टॉप स्पॉन्टेनियसली. ओके, थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है, डल पेन है लोअर एब्डोमेन में यानी पेल्विक एरिया में, और ब्राउनिश और रेड कलर ब्लीडिंग पर वजनली अगर रहेगा तो डेफिनेटली दैट कॉल एज अ थ्रेटेंड अबॉर्शन. ओके, ऑन एग्जामिनेशन जो सर्विक्स की ओपनिंग जो होती है वो इंटरनल OS की ओपनिंग बंद है, क्लोज्ड है और डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स भी नहीं हुआ है, देन डेफिनेटली वी कैन प्लेस दिस अबॉर्शन इन आवर थ्रेटेंड अबॉर्शन. ब्लीडिंग, प्रेगनेंसी हो चुकी है, ब्लीडिंग अभी लेके फीमेल हमारे पास आ रही है क्लिनिक में, एंड वी हैव टू रूल आउट वेदर इट इज अ थ्रेटेंड, वेदर इट इज अ इनएविटेबल, इनकम्प्लीट और कम्प्लीट, और सेप्टिक अबॉर्शन और मिस अबॉर्शन. तो बाय काइंड ऑफ ऑन एग्जामिनेशन काइंड ऑफ स्पॉटिंग है, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग है. ओके, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग है और काइंड ऑफ यू कैन से सर्विक्स की जो डायलिटेशन है वो भी नहीं है, और अलॉन्ग विद दैट जो इंटरनल उसकी ओपनिंग है वो भी नहीं है. तो वी कैन प्लेस दिस काइंड ऑफ अबॉर्शन इनटू द काइंड ऑफ यू कैन से थ्रेटेंड अबॉर्शन. ओके, तो इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग हम कर सकते हैं कि कितना लॉस हुआ है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट ब्लड ट्रांसफ्यूशन मे बी गिवन टू द एंटी, देखें हीमोग्राम है, यूरिन काइंड ऑफ ये देखें यूरिन रूटीन है, RH ग्रुपिंग है, ये सभी के थ्रू हमें इन्वेस्टिगेशन करना है. UAG से अगर नो फिटल कॉम्प्लिकेशन अगर यहाँ पे आपको ऑब्जर्व होगा तो डेफिनेटली यू हैव टू प्लेस दिस काइंड ऑफ अबॉर्शन इनटू द थ्रेटेड अबॉर्शन. ओके, अ वेल फॉर्म जेस्ट्रेशन रिंग विद द सेंट्रल इकोस फ्रॉम MBO इंडिकेट द हेल्दी फिटस. तो ट्रीटमेंट यहाँ पे आप क्या करोगे, फीमेल पर वजाइनल ब्लीडिंग लेके आई थी, स्पॉटिंग था, ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में नहीं था, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट क्या करोगे, रेस्ट अंटिल ब्लीड नॉट स्टॉप्स, यू विल गिव अ ड्रग फॉर अ पेन रिलीफ. ओके, एंड मे इंश्योर्ड बाय डाइजेपम 5 mg टैबलेट पर डेली. ओके, BD देना है और ओरली आयरन एंड फॉलिक एसिड सपोर्ट आपको यहाँ पे पेशेंट को देने के लिए बोलना है. ओके, तो आप दे सकते हो एडवाइस ऑन डिस्चार्ज, पेशेंट शुड लिमिट हर एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 2 weeks एंड अवॉइड हर हैवी वर्क, डू नॉट डू कॉइटस. ओके, सेक्शुअल इंटरकोर्स लेने के लिए या फिर इंडल्ज होने में मना करना है. कम ई फॉलिंग बेटा SCG. ओके, एंड डिक्रीज फिटल हार्ट रेट और फिटल कॉम्प्लिकेशन एज सून एज सीन. इफ दिस प्रेगनेंसी कंटिन्यू देन देर इज अ इंक्रीज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीटर्म लेबर. ओके, तो प्लेसेंटा प्रीविया, IUGR, फिटल एनोमलीज मे हैपन. जो हमारा सेकेंड है दैट इज कॉल्ड एज इनएविटेबल अबॉर्शन वेयर द फीमेल कम विद अ हैवी ब्लीडिंग. इनएविटेबल मीन्स वी कान कंट्रोल दैट काइंड ऑफ प्रेगनेंसी. ओके, उसको टर्मिनेट होना ही होगा. तो हैवी ब्लीडिंग अकर थ्रू द वजाइना लीडिंग टू अ स्टेट फ्रॉम वेयर कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल एंड पेशेंट कंप्लीट विद द प्रोफ्यूज पर वजाइनल ब्लीडिंग, एग्रीवेशन ऑफ द पेन इन द लोअर एब्डोमेन विच इज कोलिकी इन नेचर. ओके, सर्वाइक्स अभी जस्ट मैंने डल पेन बताया आपको और स्पॉटिंग पर वजाइनली स्पॉटिंग हो रहा था, अकाउंट ऑफ यू कैन लेसर अमाउंट में ब्लीडिंग हो रहा था, बट नाउ फीमेल कम इन क्लिनिक विद कंप्लेंट ऑफ प्रोफ्यूज पर वजाइनल ब्लीडिंग एंड एग्रीवेशन ऑफ पेन इन द लोअर एब्डोमेन. ओके, दैट इज कंसिडर्ड, यू हैव टू कंसिडर इन द इनएविटेबल अबॉर्शन. टू कन्फर्म दिस यू हैव टू गिव अ काइंड ऑफ ऑन एग्जामिनेशन, यूट्रस विल बी टेंडर विच करस्पॉन्ड टू द पीरियड ऑफ एमोनोरिया. ओके, यानी कि जेस्ट्रेशन एंड एज के इक्वल रहेगा, अ काइंड ऑफ जेस्ट काइंड ऑफ हाइट
यूट्राइन हाइट विल बी इक्वल टू द जेस्टेशनल एज, स्पंडिलाइट विल बी इक्वल टू द जेस्टेशनल एज. यहाँ पे क्या हो, सर्विस इज डायलेटेड एंड इंटरनल ओएस दे गेट ओपन. ओके, तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग लेके आई है फीमेल, इनेविटेबल अबॉर्शन है. ओके, जहाँ पे सर्विस इज डायलेटेड एंड जो इंटरनल ओएस की जो ओपनिंग हो दैट इज ऑल्सो गेट ओपन. द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन अपन फेल थ्रू द सर्वाइकल ओएस. ओके, तो मैनेजमेंट वॉट यू विल मैनेज इन दिस केस, तो मैनेजमेंट इज टू बी एम बाय प्रोसेस ऑफ एक्सपल्जन. तो यू विल गिव अ काइंड ऑफ फॉर ब्लीडिंग कंट्रोल यू विल एडमिनिस्टर द मिथर्जिन 0.2 मिलीग्राम इफ सर्विस इज डायलेटेड एंड ब्लड लॉस करेक्टेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड आई वी फ्लूइड्स. ओके, तो इनएविटेबल अबॉर्शन है, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को स्टेबल करना है फॉर द फर्दर काइंड ऑफ इंड्यूस लेबर. ओके, एंड अल्टीमेटली यू विल कंट्रोल द पेशेंट बाय इंड्यूसिंग और बाय गिविंग द मिथर्जिन 0.2 मिलीग्राम. मिथर्जिन क्या करेगा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है उसको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अल्टीमेटली ब्लीडिंग गेट कंट्रोल. ओके, तो ब्लड लॉस यू कैन कंट्रोल बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजिंग एंड आईवी फ्लूइड्स. ओके, अभी ट्रीटमेंट आपको देना है पेशेंट को कि अगर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन 7 to 12 वीक्स के पहले है या फिर 7 to 12 वीक्स के बाद है. तो अगर पहले है तो डेफिनेटली यू विल डू द डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन. ओके, तो ये देखिए, एंड अल्टीमेटली फॉलोड बाय ब्लंट क्यूरेटेज ऑफ यूट्राइन कैविटी अंडर द जेस्टेशनल एज विद द हेल्प ऑफ द कैरमेंस कैनुला एंड सक्शन मशीन. तो 7 to 12 वीक्स की अगर लेस देन रहेगा या फिर 7 to 12 वीक्स के अगर रेंज में रहेगा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन या फिर प्रेगनेंसी, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन करना है, सर्विक्स को डायलेट करना है. और डायलेट करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन उसको निकाल देना है बाय यूजिंग द कैरमेंस कैनुला एंड अ काइंड ऑफ सक्शन जो मशीन है उसके थ्रू, या फिर मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज भी लगाकर आप उसको काइंड ऑफ रिमूव कर सकते हो. अगर मोर देन 12 वीक्स है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी हियर, वहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज एक्सेलरेटेड बाय ऑक्सीटोसिन ड्रिप कॉल्ड देयर इज ऑगमेंटेशन एंड गिव द मिसोप्रोस्टोल 400 माइक्रोग्राम 5 डोज में आपको देना है पर वजनली टू कॉन्ट्रैक्ट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. ओके, तो 10 यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन इन 500 ml ऑफ एनएस में मिलाना है. 10 यूनिट मीन 1 ml ऑफ ऑक्सीटोसिन आपको 500 ml ऑफ एनएस में मिलाना है और पेशेंट को स्लोली वो ड्रिप देना है. इफ फिटस इज एक्सपल्ड एंड प्लेसेंटा इज रिटेन देन रिमूव इट बाय ओबम फोर्सेप. ओके, अगर वो रिटेन रहता है तो आपको ओबम फोर्सेप के थ्रू उसको निकालना है. एंड इफ स्टिल नॉट देन यू हैव टू डू अ काइंड ऑफ मैनुअल वैक्यूम सॉरी मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा अंडर द जनरल एनेस्थेसिया. तो लेस देन 7 to 12 वीक्स है, अगर वो लेस देन 7 वीक्स रहेगा, लेस देन 7 वीक्स मीन्स अल्टीमेटली लेस देन 7 वीक्स है, तो हम उसको एक कॉम्बी पैक देके रिमूव कर दें जहाँ पे मिफीप्रिस्टोन और मिसोप्रिस्टोन की टैबलेट देते हैं. 5 टैबलेट की कॉम्बो आती है, एक टैबलेट जो हमारा रहता है वो 200 मिलीग्राम का काइंड ऑफ मिफीप्रिस्टोन होगा और मिसोप्रिस्टोन जो रहता है वो 200 माइक्रोग्राम का 4 टैबलेट ऑन थर्ड डे आफ्टर द मिफीप्रिस्टोन ये देते हैं. तो ये 5 टैबलेट का कॉम्बी पैक देने के बाद अ काइंड ऑफ लेस देन 7 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होती है वो लॉस हो जाती है. ओके, ये अबाउट हो जाता है. तो डिपेंडिंग ऑन दैट कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द वीक और डिपेंडिंग ऑन द जेस्टेशन एज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट. ओके, यू कैन सी हियर, दिस इज द काइंड ऑफ मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज एंड दिस सिरिंज गेट अटैच्ड टू दिस काइंड ऑफ कैरमेंस कैनुला एंड आफ्टर अटैचिंग दिस कैरमेंस कैनुला विद दिस एमबीए सिरिंज वी हैव टू सक द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन इनटू इट. बट इफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन नॉट सक्स डेफिनेटली वी हैव टू रिमूव बाय ओवम फॉर्सेप एंड स्टिल इफ इट नॉट रिमूव देन यू हैव टू रिमूव इट बाय अ मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा. ओके, अंडर द जनरल एनेस्थेसिया. तो कंप्लीट अबॉर्शन देखिए, थर्ड टाइप है वेयर द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन इज कम्प्लीटली एक्सपेल्ड आउट एंड पेशेंट कंप्लीट देर इज अ हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्जन ऑफ फ्लेशी मास थ्रू द पर वजनली एंड एब्डोमिनल पेन वजनल ब्लीडिंग टोटली यहाँ पे एब्सेंट होता है. और हिस्ट्री रहती है यहाँ पे कि एक्सपल्जन ऑफ फ्लेशी मास, फीमेल खुद बोलती है कि काइंड ऑफ फ्लेशी मास एक्सपल्ड हो गया, तो डेफिनेटली डॉक्टर को वहाँ पे काइंड ऑफ फिजिशियन या फिर जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसको ऐसे समझ में आना चाहिए कि डेफिनेटली देर इज अ कंप्लीट अबॉर्शन. ओके, तो पर वजनली कोई ब्लीडिंग नहीं है बट फ्लेशी मास का यह हिस्ट्री आया है और देर इज अ डल पेन, डेफिनेटली दैट इंडिकेट द कंप्लीट अबॉर्शन. तो यूट्रस और साइज ऑफ फंडस कॉल एज अ फंडल हाइट दे गेट स्मॉलर दैन द जेस्टेशनल एज. अर्लियर इन आवर इनेविटेबल अबॉर्शन वी हैव सीन कि जो काइंड ऑफ फंडल हाइट जो होती है वो जो काइंड ऑफ फंडल हाइट जो रहती है वो कम इक्वल रहती है. इक्वल रहती मीन्स काइंड ऑफ इट करस्पॉन्ड्स टू द जेस्टेशनल एज. बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि देर इज अ कंप्लीट लॉस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन एंड दैट्स वाई देर इज अ स्मॉलर फंडल हाइट दैन द जेस्टेशनल एज. ओके, इंटरनल ओएस इज क्लोज एंड नो टेंडरनेस एज सच ऑब्जर्व.
इन्वेस्टिगेशन में हम कैसे इसको फिगर आउट करेंगे कि कंप्लीट अबॉर्शन हुआ या नहीं हुआ है. जेस्टेशनल कैविटी इज एम्प्टी ओके एंड इफ शी इज RH नेगेटिव या फिर यू कैन से RH नेगेटिव है ओके तो डेफिनेटली यू हैव टू एडमिनिस्टर एंटी डी इंजेक्शन डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द फीटस बाय IM रूट. तो 300 माइक्रोग्राम हम डेफिनेटली डालते हैं आफ्टर द काइंड ऑफ नॉर्मल या फिर वजन जो भी कुछ काइंड ऑफ डिलीवरी है या फिर अगर कोई अबॉर्शन लेस देन 20 वीक्स या फिर लेस देन 32 या वगैरह रहेगा तो डेफिनेटली 50 माइक्रोग्राम के हम इंजेक्शन IM देते हैं. तो ट्रीटमेंट देखिए, काम द पेशेंट, कीप द पेशेंट ऑन IV फ्लूइड्स ओके एंड इंडल टू द मदर इन ब्रेस्ट फीडिंग ओके दैट इज कॉल्ड एज अ काइंड ऑफ दिस इज अ ट्रीटमेंट क्राइटेरिया फॉर द कंप्लीट अबॉर्शन. यू कैन सी हियर दिस इज अ नो जेस्ट्रेशन एग इज एम्प्टी ओके देर इज अ नो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन इन द जेस्ट्रेशन कैविटी. इनकम्प्लीट अबॉर्शन में व्हेन द एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन इज नॉट एक्सपेल्ड आउट इंस्टेड अ पार्ट ऑफ इट्स लेफ्ट इनसाइड द यूट्राइन कैविटी ओके दैट इज कॉल्ड एज अ इनकम्प्लीट अबॉर्शन. पेशेंट कंप्लेन द पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हैवी ब्लीडिंग ओके तो इनकम्प्लीट ऑन एग्जामिनेशन प्रोफ्यूज ब्लीडिंग रहेगा सेप्सिस रहेगा प्लेसेंटल प्रॉलीप हाइट ऑफ द यूटरस इज नॉट एज प्रोडक्ट ऑफ अमेनोरिया ओके एंड डायलेटेड सर्विस पार्शियल एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन फीमेल सजेस्ट फीमेल गिव हिस्ट्री कि थोड़ा सा लिटिल बिट काइंड ऑफ ब्रेकिंग में से कुछ आया था एंड अलॉन्ग विद दैट प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है आया था लेकिन ब्लीडिंग नहीं है कंप्लीट आया है बट ब्लीडिंग है डेफिनेटली अ काइंड ऑफ इनकम्प्लीट है ओके तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है सेप्सिस है प्लेसेंटल पॉलीप हाइट ऑफ द यूटरस इज नॉट एज पीरियड ऑफ अमेनोरिया सर्विस इज अ डायलेटर पार्शियल एक्सपोजन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन एंड यूटरस इज स्टिल हार्ड. अर्लियर वी जस्ट सेड की यूटरस इज टेंडर्ड बट यहाँ पे यूटरस इज स्टिल हार्ड. सर्विक्स की जो सर्विक्स की जो ओपनिंग है वो अभी भी बनी हुई है. अर्लियर अभी जस्ट हमने देखा कंप्लीट में कि सर्विक्स की ओपनिंग क्या होती है क्लोज हो चुकी थी. टेंडर यूटरस था. प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन जो था अल्टीमेटली नॉट करस्पॉन्ड टू द पीरियड ऑफ अमेनोरिया और नॉट करस्पॉन्ड टू जेस्टेशनल एज बट इसका जस्ट रिवर्स हो रहा है हमारे इनकम्प्लीट में. तो वॉट यू हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर केस टू पुट IV लाइन एंड IV फ्लूइड टेक ब्लड फॉर ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग ओके एंड अल्टीमेटली यू हैव टू ट्रांसफ्यूज द ब्लड इन टू द मदर एंड कीप एंटी डी ऑल्सो. इफ मदर इज RH नेगेटिव यू हैव टू डेफिनेटली पुट एंटी डी IM इन टू द मदर ओके. तो यू डू MVA मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन इफ जेस्टेशन इज लेस देन 12 वीक्स जस्ट आई सेड इन काइंड ऑफ इनएविटेबल अबॉर्शन में वही यहाँ पे आपको करना है ओके. और मोर देन अगर 12 वीक्स रहेगा तो आपको ऑक्सीटोसिन ड्रिप वगैरह के यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू आपको क्या करना है अल्टीमेटली यहाँ पे ऑगमेंटेशन करना है लेबर को ऑगमेंटेड यानी कि बढ़ाना है बाय गिविंग ऑक्सीटोसिन ड्रिप 20 यूनिट इन 500 ml ऑफ NS ओके. अर्लियर इन इनएविटेबल में जस्ट आई सेड कि उसमें 10 यूनिट देते यानी 1 ml बट 20 यूनिट इन 500 ml ऑफ NS मोर देन 12 वीक्स इन आवर इनकम्प्लीट अबॉर्शन ओके. तो अ काइंड ऑफ यू कैन सी हियर मिस अबॉर्शन फिफ्थ टाइप व्हेन द फीटस इज डेड एंड रिटर्न इनसाइड द यूटरस टुगेदरली विद प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन फॉर वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड एज मिस अबॉर्शन वेयर फीमेल इज नॉट यू कैन से अवेयर विद दिस अवेयर विद दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ फीटस कि मेरा काइंड ऑफ लॉस हुआ है या नहीं हुआ है. मदर इज नॉट अवेयर कि फीटल कार्डिक एक्टिविटी आ रही है या नहीं आ रही है फीटल हार्ट रेट नहीं चल रहा है फीटल मूवमेंट नहीं हो रहा है ओके फीटल इज नॉट मूविंग. तो अल्टीमेटली दैट इज कॉल्ड एज मिस डेथ हो गया यहाँ पे मिस अबॉर्शन है. ब्राउन इज डिस्चार्ज रहेगा सबसेंस ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द प्रेगनेंसी ओके जो भी कुछ क्लिनिकल फीचर्स है प्रेगनेंसी को सबसाइड होना स्टार्ट हो गया है. रेट्रोग्रेशन ऑफ द ब्रेस्ट चेंजेस ओके जो भी कुछ निप्पल के जो चेंजेस थे या फिर काइंड ऑफ सेकेंडरी एरियला जो फॉर्म होता है मोंटिकुलर ट्यूबकल जो फॉर्म होते हैं उनमें क्या होता है रेट्रोग्रेशन होता है ओके एंड नो फिटल मूवमेंट इज ऑब्जर्व नो फिटल हर्ट कार्डियक एक्टिविटी ऑब्जर्व ओके इवन विद द फिटल डॉपलर ऑल्सो. तो नॉर्मली फीमेल को वो ऑब्जर्व हो जाएगा बट डेफिनेटली फीटल डॉपलर के थ्रू भी नहीं हो रहा है एंड काइंड ऑफ कोई भी किसी के थ्रू भी नहीं हो रहा है डेफिनेटली वो मिस अबॉर्शन हो गया है. ऑन एग्जामिनेशन सीजेशन ऑफ यूट्राइन ग्रोथ एज पर आवर प्रोडक्ट ऑफ अमेनोरिया ओके एंड एब्सेंस ऑफ जितना भी अगर 34 वीक अगर हो गया है तो 34 वीक के इतना जो फंडलाइट है वो नहीं रहेगा ओके. तो एब्सेंस ऑफ सिम्फाइजो फंडल हाइट डिपेंडिंग ऑन द जेस्टेशन एज बाय LMP एंड मोर देन 12 वीक फिटस बिकम मैसरेटेड एंड ये देखिए मैसरेटेड हो जाएगा वो एंड लेस देन 12 वीक्स दे गेट कैवर्नस मोल व्हेन ओवम डाई कम्प्लीटली ड्यू टू द रिपीटेड स्मॉल ब्लीडिंग एंड क्लॉट देयर दैट इज कॉल्ड एज अ कैवर्नस मोल ओके. तो मोर देन 12 वीक रहेगा तो फिटस बिकम मैसरेटेड और लेस देन 12 वीक्स है और उसकी डेथ हो गई है तो डेफिनेटली कैवर्नस मोल हो जाएगा यानी कि उसकी पूरे बॉडी क्या हो जाएंगे अ काइंड ऑफ स्मॉल ब्लीडिंग रिपीटेड स्मॉल ब्लीडिंग जैसे दे गेट क्लॉट देयर एंड कॉल इज अ कैवर्नस मोल ओके.
तो यहाँ पे जेस्ट्रेशन इज स्मॉलर रहेगा, सर्विक्स इज ऑल्सो क्लोज, फिटस इज डेड बट प्रोसेस ऑफ एक्सपल्जन हैज नॉट स्टार्टेड येट. ओके, तो ट्रीटमेंट वॉट यू विल गिव हियर, तो अगेन इन जैसे हमने इनेविटेबल अबॉर्शन में देखा, अगेन वहाँ पे आपको करना है कि लेस देन 7 to 12 वीक रहेगा तो डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन के थ्रू आपको करना है. प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन अगर स्टिल रहता है तो ओवम फोर्सेप देना है, अगर स्टिल रहेगा तो मैनुअल काइंड ऑफ रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा करना है. ओके, एंड अगर मोर देन 12 वीक रहेगा तो यू हैव टू गिव अ काइंड ऑफ इंड्यूस द और यू कैन से कि यू हैव टू ऑगमेंट द लेबर. ओके, so you can see here this is last a kind of abortion type, septic abortion. Any abortion associated with the clinical evidence of infection of the uterus and its content definitely that is called as a septic abortion. Septic abortion means क्या होता है कि a kind of ये illegal abortion भी आएगा. okay, जहाँ पे unsafe abortion होता है, ये illegal abortion में क्यों आता है, a kind of you can say there are number of families की they are not aware with the a kind of female's health and a kind of you can say कि pregnancy को ये abort कराना ही कराना है, तो वो कोई हॉस्पिटल वगैरह में नहीं जाते हैं. दे जस्ट नो कि ये टैबलेट लेने से कि काइंड ऑफ जो प्रेगनेंसी होती है लॉस हो जाती है. दे जस्ट अवेयर विद दैट, बट दे डू नॉट अवेयर विद देयर कॉम्प्लिकेशन, कैसे उनको लेना है, कब लेना है, किसको देना है, कितना देना है, उनको ये सभी बारे में पता नहीं होता है. एंड दैट्स वाई ये सेप्टिक अबॉर्शन होता है, जहाँ पे अबॉर्शन टर्मिनेटेड होने के लिए वो पर्टिकुलर टैबलेट या फिर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, बट डेफिनेटली जो क्राइटेरिया रहता है या फिर जो वे रहता है वो रॉन्ग होने की वजह से काइंड ऑफ क्रिटिकल कंडीशन फीमेल को आ जाती है, दैट इज कॉल्ड सेप्टिक अबॉर्शन. तो यूजुअली सीन इन द अनसेफ अबॉर्शन, इन इलीगल और इन कमिटेड अबॉर्शन, प्रोलॉन्ग रिटेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन होता है. मतलब अबॉर्शन के लिए जो भी कुछ उन्होंने एक्टिविटी किया है, फिर जो भी कुछ उन्होंने काइंड ऑफ ड्रग वगैरह लिया, डेफिनेटली उससे अबॉर्शन हो गई होगा, बट अलॉन्ग विद दैट टोटल जो लॉस हो रहा है, टोटल जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन जो बाहर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, एंड दैट्स वाई देर इज सम रिटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन इन टू द फीमेल ट्रैक्ट स्टिल, एंड दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ सेप्टिक अटैक टू द मदर, दैट इज कॉल्ड एज अ सेप्टिक अबॉर्शन. ओके, तो इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ द यूटरस होता है, यूजुअली सीन इन द अनसेफ अबॉर्शन. प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन एक्ट एज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ. ओके, और फीमेल को कंप्लेन क्या रहता है, पायरेक्सिया विद चिल्स, ओके, पेन इन द एब्डोमेन एंड लेथार्जिक कंडीशन ऑफ द फीमेल्स की, हिस्ट्री ऑफ इलीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम द अनऑथोराइज वे इज नॉर्मली कंसील्ड. ओके, तो ये कंसील्ड छुपाती है फीमेल कि काइंड ऑफ मतलब अनऑथोराइज से उन्होंने पर्टिकुलर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया है, वो छुपाती है, और शी एडमिट्स इन द हॉस्पिटल और शी कम विद दिस कंप्लेंट की पायरेक्सिया है विद चिल्स, पेन इन एब्डोमेन रहता है, ओके, और लेथार्जिक कंडीशन रहती है. ओके, तो फीमेल कम विद दिस कंप्लेंट, बट अल्टीमेटली जो फीमेल होती है और फीमेल की जो रिलेटिव होते हैं, दे कंसील दिस काइंड ऑफ हिस्ट्री. ओके, एंड दैट्स वाई दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी और दैट काइंड ऑफ अबॉर्शन इज कॉल्ड सेप्टिक अबॉर्शन. ओके, तो इट रिवील्स द ऑफेंसिव पुरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम परवजनली, ये सभी एक्टिविटी को फीमेल्स हाइड करती है, एंड पेशेंट कंप्लेन द सीवियर पेन हैज बी परफॉर्म बाय मैनुअल और डिजिटल एग्जामिनेशन, टेकिकार्डिया, एब्डोमिनल टेंडरनेस, ओलिगोयूरिया, ये सभी कंटिन्यू फीमेल्स को बना हुआ रहता है. ओके, ऑन एग्जामिनेशन वी कैन फाइंड आउट दिस कंडीशन ऑफ ऑफेंसिव पुरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम परवजनली, पेशेंट कंप्लेन द सीवियर पेन एज वी परफॉर्म द बाय मैनुअल और डिजिटल एग्जामिनेशन, ओके, इन जेनिटल ट्रैक, ओके, एंड टैकिकार्डिया, एब्डोमिनल टेंडरनेस, ओलिगोयूरिया, ये सभी ऑन एग्जामिनेशन में रिवर्स होता है. ओके, मैनेजमेंट देखिए, हीमोग्राम है, ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग हम देंगे, यूरिन एनालिसिस के लिए हम भेज देंगे, कल्चर के लिए भेज देंगे, यूएजी करेंगे हम, और कोगुलेशन प्रोफाइल के थ्रू हम कितना ब्लड लॉस और क्या है सब हम पैरामीटर को डिटेक्ट करेंगे. अलवेज हॉस्पिटलाइज द पेशेंट, आईवी फ्लूइड डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द शॉक, आईवी आपको देना है, ब्रॉड स्पेक्टर ऑफ एंटीबायोटिक, नॉर्मली किफेलोक्सोरिन हम देते हैं, किफेलोक्सोरिन, एंटी टेंडरनेस सीरम देना है आपको, और एंटी गैस गैंग्रीन जो सीरम है नॉर्मली हम ये ऑप्शनल के लिए रखते हैं, बट थ्री अबो थ्री या फिर फर्स्ट थ्री इज अ मोस्ट कॉमन ट्रीट वे टू आवर सेप्टिक अबॉर्शन. तो अलवेज हॉस्पिटल द पेशेंट, आई वी फ्लूड डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द शॉक, एंड आई वी आपको देना है अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व फॉर द इन्फेक्शन आर फ्रॉम वजाना इट सेल्फ, बट प्रॉपर एंटीसेप्टिक ओके एंड असेप्सिस मेजर्स आर नॉट टेकन ड्यूरिंग द इंड्यूसिंग द अबॉर्शन, डेफिनेटली दे लीड्स टू अ काइंड ऑफ सेप्टिक अटैक टू द काइंड ऑफ फीमेल. ओके, तो आप दे सकते हो, लिटिल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन इज लिमेन ड्यूरिंग द अनसेफ अबॉर्शन, एंड दैट्स वाई देर इज अ और वो अनसेफ अबॉर्शन थोड़ी सी लिटिल बिट रहती है, एंड लिटिल बिट तो इनकम्प्लीट में भी रहता है, एंड डेफिनेटली
ये फीमेल कंप्लीट लेके आती है कि इनकम्प्लीट, अभी थोड़ा सा कुछ लॉस हुआ है और अभी देखिए कि मेरा कंटिन्यू प्रेगनेंसी होगा या नहीं होगा, या फिर ये पूरी तरीके से लॉस हो गया या फिर इनकम्प्लीट है, ऐसे फीमेल कंप्लीट लेके आती है। बट सेप्टिक अबॉर्शन में क्या होता है कि फीमेल कंप्लीट लेके क्या आती है, उसको बुखार है, अ काइंड ऑफ लेथार्जिक कंडीशन है, वो कंप्लीट लेके नहीं आती है कि अ काइंड ऑफ मैंने अनऑथोराइज तरीके से या फिर अनलीगली अ काइंड ऑफ मैंने फोर्सफुली क्या किया है, अबॉर्शन को इंड्यूस किया है, तो ये कंप्लीट लेके नहीं आती है फीमेल। शी जस्ट कम विद दिस कंप्लेंट कि पायरेक्सिया है, चिल्स है, राइगर है, ओके, ये सभी कंप्लेंट लेके आती है। और डेफिनेटली ये जो प्रेडर ऑफ कॉन्सेप्शन है जो रिटेन अभी भी है इनटू द यूट्राइन कैविटी, ओके, वो रिमेन एसिडिस रहता है और वो बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या करता है, प्रोमोट करता है, और सेप्टिक अटैक पूरे होल बॉडी में मदर के आ जाता है। तो रिकरेंट अबॉर्शन, रिकरेंट मिसकैरेज देखिए, अबॉर्शन देखिए, डिफाइन द सीक्वेंस ऑफ थ्री और मोर कंसेक्यूटिव स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बिफोर 20 वीक्स, दैट इज कॉल्ड एज रिकरेंट मिसकैरेजेस। तो इंसिडेंट्स 1% ऑफ ऑल वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, एंड अगेन इसका क्या कॉज है, कॉज ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस, एंड सेकेंड इसका क्या होता है, कॉज होता है, ओके, सर्विकल, जो सर्विकल इनकॉम्पिटेंस है, जो सेकेंड मोस्ट, सॉरी फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन केस है सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का, अबॉर्शन का। तो अल्टीमेटली इसमें क्या रहता है कि कंड ऑफ ये देखिए, रिटेन जो रिटेंटिव पावर रहती है सर्विक्स की, मे बी इम्पेयर्ड फंक्शनली एंड एनाटॉमिकली ड्यू टू फॉलोइंग कंडीशन, कंजेनिटली वो यूटर्न एनोमलीज के थ्रू सर्विकल इनकॉम्पिटेंस होता है, एक्वाइर्ड में अगेन एंड अगेन डीएनसी से, या फिर इंड्यूस अबॉर्शन बाय डीएनई अगेन एंड अगेन, या फिर डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन से, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज की वजह से अगेन एंड अगेन, वजाइनल ऑपरेटिव डिलीवरी थ्रू अनडायलेटेड सर्विक्स से, या फिर कोन थेरेपी है, तो ये सभी के थ्रू देर इज अ सर्विक्स की जो हैम्परिंग होती है, सर्विक्स दे गेट इंजर्ड और सर्विक्स दे गेट ट्रॉमेटिक, एंड दैट्स वाई सर्विक्स दे गेट इनकॉम्पिटेंट टू होल्ड द डेवलप फीटस, ओके, एंड दैट इज कॉल्ड सर्विक्स सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, ओके। तो मल्टीपल जेस्टेशन या फिर प्रियोर प्रीटम बर्थ, ये सभी एक्वायर्ड कॉज है हमारे सर्विक्स सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के, ओके। तो हाउ वी गेस दिस सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, बाय हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड मिड ट्राइमेस्टर पेनलेस सर्वाइकल डायलिटेशन एंड स्केप ऑफ अ लिकर अमिनी फॉलोड बाय अ पेनलेस एक्सपल्जन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर कोई लॉस हो रहा है, अबॉर्शन हो रहा है, पैसेज नंबर ऑफ 6 to 8 हेगा डायलेटर बियॉन्ड द इंटरनल ओएस विदाउट एनी रेजिस्टेंस एंड पेन, डेफिनेटली इट सजेस्ट की डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स हुआ है, मीन्स सर्विक्स इज नॉट इन द कंट्रोल, ओके। सोनोग्राफी में शॉर्ट सर्विक्स रहती है, एंड बाय स्पेकुलम एग्जामिनेशन डिटेक्टेड ऑफ इंटरनल ओएस विद द हर्निएशन ऑफ द मेम्ब्रेन, ओके। तो हर्निएशन ऑफ द मेम्ब्रेन रहेगा, जो फिटल मेम्ब्रेन रहती है वो अल्टीमेटली हर्निएटेड रहेगी, एंड दैट डेफिनेटली सजेस्ट की जो सर्विक्स जो है वो इनकॉम्पिटेंस है। तो सर्वाइकल ऑपरेशन यहाँ पे हमें करना रहता है, टू टाइप के ऑपरेशन रहते हैं, सिरोडोकर और मैकडोनल्ड्स, ओके, सिरोडोकर एंड मैकडोनल्ड्स, ये ऑपरेशन अल्टीमेटली क्या करते हैं, अ काइंड ऑफ सर्विक्स सर्कलाच, ओके, सर्विक्स को क्या करते हैं, सर्विक्स को क्या करते हैं, अल्टीमेटली वो यू कैन से जिसके टू टाइप ऑफ ऑपरेशन आर इन क्योर करंट यूज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इच क्लेमिंग एन इक्वल सक्सेस रेट अबाउट 80 to 90%। सिरोडोकर एंड मैकडोनल्ड्स हमारे दो मेथड हैं। मैकडोनल्ड में नॉन एब्जॉर्बल सूचर्स मटेरियल प्लेस एज अ पर्सिस स्टिंग सूचर्स, मतलब क्या होता है कि सर्विक्स को वो काइंड ऑफ सूचरिंग करते हैं जिसकी वजह से वो होल्ड करने की कैपेसिटी रख सके, ओके, और काइंड ऑफ यू कैन से कि बिफोर द 37 वीक्स ये जो सूचरिंग किए रहते हैं ना उनको हम काटते हैं एंड बेबी को हम डिलीवर करते हैं। इंड्यूस अबॉर्शन देखिए, डिलीबरेटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द वायबिलिटी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड द इंडक्शन ऑफ द अबॉर्शन। टू टाइप के रहते हैं, लीगल और इलीगल में। इंडिकेशन ऑफ एमटीपी नॉर्मली टू सेव द लाइफ ऑफ मदर रहता है नॉर्मली, ओके। सोशल इंडिकेशन है, यूजेनिक केस है जहाँ पे फीमेल को अगर कोई अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम वगैरह रहेगा, या फिर फीटल एनोमलीज की, अगर बहुत ज़्यादा फीटल एनोमलीज है और अगर उसकी डिलीवरी हो जाती है आफ्टर दैट फीटल इज नॉट एबल टू सर्वाइव और फीटस की अ काइंड ऑफ न्यूनेटल डेथ हो जाएगी, या फिर इन्फेंटाइल डेथ हो जाएगी, या फिर आफ्टर डिलीवरी इमीडिएटली उसकी डेथ हो जाएगी, तो डेफिनेटली वो यूजेनिक केस में आएंगे, सॉरी यूजेनिक कॉज में आएगा, और यूजेनिक कॉज में आने वाला जो बेबी होगा उसको फीमेल कैन अबॉर्ट देयर चाइल्ड, ओके। तो ये सभी फीटल एनोमलीज वी कैन डिटेक्ट इन द अल्ट्रासोनोग्राफी ड्यूरिंग द काइंड ऑफ यू कैन से जो नेटल स्कैन होता है ना उसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो कॉन्ट्रासेप्टिव फिलर्स हैं, काइंड ऑफ जो बोलते हैं ना, कंडोम वगैरह लिया था बट डेफिनेटली कंडोम रप्चर हो गया है, ब्रेक हो गया है, ब्रेक कंडम था, तो उसकी वजह से जो प्रेगनेंसी रहती है वो हो सकती है, एंड दैट्स द कॉन्ट्रासेप्टिव फिलर की वजह से भी जो काइंड ऑफ जो प्रेगनेंसी रहेगी उसको भी फीमेल जो होती है वो अबॉर्ट कर सकती है, ओके। तो मेथड ऑफ कंडक्टिंग अबॉर्शन देखिए, सक्शन अबॉर्शन है, वैक्यूम एस्पिरेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, डायलिटेशन है, इवैक्यूएशन है, हिस्टेरेक्टॉमी भी एक काइंड ऑफ अबॉर्शन है, ओके।
तो मिफीप्रिस्टोन मैंने आपको जस्ट बताया कि लेस देन 7 वीक्स को अबॉर्ट करने के लिए मिफीप्रिस्टोन और मिजोप्रोस्टोल की हम टैबलेट देते हैं। मिफीप्रिस्टोन अल्टीमेटली एंटागोनिस्टिक होता है प्रोजेस्टेरोन का, इट ब्लॉक द एक्शन ऑफ नेचुरल प्रोजेस्टेरोन। देखिए एडिशन ऑफ लो डोज ऑफ मिसोप्रोस्टोल इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन हाई सक्सेसफुली विद इन द 49 डेज ऑफ द जेस्ट्रेशन। लेस देन 7 वीक्स का अगर कोई जेस्ट्रेशन अगर रहेगा या फिर लेस देन 7 वीक्स का अगर पीरियड ऑफ कंसेप्शन होगा तो डेफिनेटली मिफीप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल से वो इजिली तरीके से अबॉर्ट हो सकता है। तो 200 मिलीग्राम मिफीप्रिस्टोन ओरली देना है ऑन डे 1 और आफ्टर और या फिर ऑन डे 3 मिसोप्रोस्टोल 400 मिली माइक्रोग्राम ओरली देना है या फिर 800 माइक्रोग्राम वजानली फीमेल को लेने के लिए बोलना है। ओके, तो पेशेंट इज री एग्जामाइन आफ्टर 10 to 14 डे। कंप्लीट अबॉर्शन रहता है नॉर्मली ये कॉम्बी पैक लेने की वजह से। ओके, 4 टैबलेट की कॉम्बी पैक है, आप दे सकते हो 4 या 5 टैबलेट की कॉम्बी पैक है। 95 कंप्लीट अबॉर्शन हो जाता है। इनकम्प्लीट में रेयरली ऐसा रहेगा कि इनकम्प्लीट है अबॉर्शन, बट नॉर्मली कंप्लीट अबॉर्शन वो हो ही जाता है। ओके, तो ओरल मिफीप्रिस्टोन 200 मिलीग्राम 1 टैबलेट विद वजानल मिसोप्रोस्टोल 800 माइक्रोग्राम। ओके, ये देखिए 4 टैबलेट होता है, तो 4 टैबलेट और 1 टैबलेट अल्टीमेटली टोटल मिलाकर ये 5 टैबलेट की कॉम्बी पैक रहती है। और ये जो 800 मिलीग्राम जो है 4 टैबलेट जो है मिसोप्रोस्टोल का, वो आपको या फिर फीमेल के वजाना में प्लेस करने के लिए बोला जाता है आफ्टर द या फिर ऑन 3rd डे। दिस इज़ द कॉम्बी पैक अप्रूव्ड बाय द ये देखिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हेल्थ जो हमारे सेंटर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ वार MTP अप टू 3 डेज ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, अप टू ये देखिए 7 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होती है उसको टर्मिनेट करने के लिए रहता है। मिफीप्रिस्टोन शुड नॉट यूज इन पेशेंट अबो इज ओवर 35 हैविंग स्मोकर एंड लॉन्ग टर्म ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर अवर यू कैन से अबॉर्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। शिरोडकर और मैकडोनल ये सर्विकल इनकॉम्पिटेंस को काइंड ऑफ ऑपरेट करने के लिए रहते हैं, जहाँ पे सर्विक्स की सर्कलाइजिंग हम करते हैं और अल्टीमेटली हमने डिटेल में अबॉर्शन ये टॉपिक देखा। ओके, आ जा